बकरीद के त्यौहार को लेकर नगर पालिका चेयरपर्सन ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिए सफाई सुथराई रखने के निर्देश। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में नगर पालिका चेयरपर्सन फातमा जबी ने बताया कि बकरीद को लेकर आज हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा, नगर पालिका सभागार में सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। उनको निर्देशित किया गया कि बकरीद के दृष्टिगत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सुथराई कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बकरीद वाले दिन 24 घंटे बिजली पानी दिया जाए। उन्होंने कहा, इसको भी लेकर हमने निर्देश दिए हैं, कोई भी अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई करने में लापरवाही नहीं बरते। वहीं अब आइए सुनते हैं नगर पालिका चेयरपर्सन फातिमा जबी और क्या कह रही हैं। ये ईद की वजह से मीटिंग ली जा रही है कि ईद पे क्या तैयारियाँ हैं, सफाई को लेकर, पानी को लेकर, किस तरह से पानी दिया जाएगा, पानी की व्यवस्था कराई गई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी दिन भर दिया जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर जो मैल ये डस्ट होती है, इसके सब जो कट्टे वगैरह जो इस वक्त ईद का जो त्यौहार है बकरा ईद का, इस पर ज़्यादातर डस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो उसका सबका इंतज़ाम, किस तरीके से सीट उठाई जाए, कैसे नालियों की सफाई है, जो भी सफाई व्यवस्था है, पानी के टैंकर्स रखवाए जाएंगे ईदगाह के पास, ये सब जो भी व्यवस्था है सफाई की, 7-8 टीमें गठित कर दी गई हैं। सब टीम अपने अपने वार्डों में अपने अपने हिसाब से काम लेंगे और जो हमारे ये इंस्पेक्टर्स वगैरह ये इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि हर वार्ड में किसने कितना काम किया है, कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी सूचना हमें देंगे। वो तो हमारा उसको नंबर जारी है, कंट्रोल रूम नंबर तो हमारा जारी रहता ही है, बराबर वो हटा ही नहीं है। कोई भी परेशानी किसी को भी हो तो वो हमसे कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं बराबर निरीक्षण कर रही हूँ जी, और सबके कांटेक्ट में रहती हूँ, कहाँ कहाँ कैसे काम चल रहा है, कैसे सफाई व्यवस्था हो रही है, मैं मॉनिटरिंग करती रहती हूँ सबकी।